हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है भाई फिर से जीएसए क्लासेस में। और आज आपके सामने लेकर आए पार्ट 9 ग्रुप डी के लिए अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, जो आपके लिए हमें लगता है आपके पेपर में क्या आने वाला है। और आज हम देखेंगे अति संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद गाइस समझना, मंडे से कुछ नहीं, कोई ऑपरेशन नहीं, अगर आप लोग चाहो तब केवल और केवल क्वेश्चन सेशन चलेगा। यानी जैसे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे अप्रॉक्स 45 क्वेश्चंस, तब इसकी बातें बाद में करेंगे जब वीडियो लास्ट करेंगे क्लास की। तो चलते हैं क्वेश्चन सेशन की ओर और देखते हैं आपके लिए आज कैसा कैसा क्वेश्चन आप लेकर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये रहा आज के लिए, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एनएसीएल, एनएसीएल का पीएच मान क्या है, 6.6, 7, 7.4 या 8। चलिए शुभ संध्या, नमस्कार, राधे राधे। चलिए बताइए क्या होगा, NaCl का पीएच मान क्या है, 6.6, 7, 7.4, 8। गुड इवनिंग। देखिए लोग कह रहे हैं सर 7, ओनली 7 की बात कर रहे हैं, यानी अगर NaCl की पीएच मान की बात करें 7, बहुत बढ़िया। अगर NaCl है, देखिए सोडियम और क्लोरीन गाइस, ये हो गया एसिड और ये हो गया बेस, लेकिन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तब ये बातें समझ में नहीं आई कि भैया रखें किधर, NaCl को साधारण लवण को किधर रखा जाए, तब 7 मान लिया गया इसको। अगर हम 7 की बात करें तो पता होगा आपको सोरेनसन साहब ने पीएच वैल्यू की खोज की थी, पीएच वैल्यू की खोज की थी। अरे बात समझ में, तो सोडियम क्लोराइड की बात करें तो 7 और प्योर वाटर यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7। क्यों? क्योंकि प्योर वाटर की बात करेंगे तो ना वो एसिड है ना वो बेस है, स्वादहीन है, कोई टेस्ट ही नहीं है उसमें। यानी NaCl और प्योर वाटर का पीएच मान 7। और अगर बात करें 6.6 की, तब देखो 6.6 किसकी, मिल्क की, कितना मिल्क का, कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है 6.5, तो कंफ्यूज मत करना 6.5 या 6.6, बहुत कंफ्यूजन है, भूल जाते हैं सर याद कैसे रखें मिल्क का। गाइस याद रखने का तरीका देखो, समझना, मिल्क प्रोटीन है, कैल्शियम है, यानी मिल्क दूध पीने से हमें क्या आता है, एनर्जी, ताकत आता है, और जब ताकत आएगा तो सबका सबके लिए सबका छक्का छुड़ा देंगे। आ रही बात समझ में, दूध पीने से सबको छक्का छुड़ा देंगे, यानी छक्का छुड़ा देंगे, यानी क्या इंडिकेट क्या कर रहा है, दूध पीने से हमें ताकत आती है, सबका छक्का छुड़ा देंगे, यानी 6.6 किसकी, मिल्क की। और 7.4 की बात करें यानी 74, तो किसका होगा ये,
ब्लड, ब्लड का कितना 7.4 है ना। देखिए आशीष चौधरी ने कहा सर 2.5 लेमिन का, 2.4 या 2.5। देखिए क्वेश्चन नंबर टू, डज ब्रास गेट डिसकलर्ड इन द एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर। निम्नलिखित में से किन गैसों की उपस्थिति के कारण पीतल हवा में विकृत हो जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। चलिए आगे बताइए क्या होगा। किन गैसों की मौजूदगी के कारण, उपस्थिति के कारण पीतल हवा में विकृत हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S। यानी अब देखिए समझना, ब्रास है, ये मेटल है ना, धातु है ना। एक क्वेश्चन और आता है कि किन दो एलवाई को मिलाने के बाद, पता है क्या कह रहा हूं, ब्रास यानी ब्रास पीतल। तो पता होगा ट्रिक काम करेगा, एएलपी में पूछा है पीतल किसके उसको मिलाने के बाद, यानी पीतल मिलाने के बाद तांबा और जस्ता को मिलाएंगे पीतल बनेगा, यानी किसका एलवाई है ये, तांबा और जस्ता का। आ रही बातें समझ में? फिर मैं समझाऊं, देखो ये ब्रास है ना, एलवाई है, मिश्र धातु है, तो किसका, पीतल इज इक्वल टू तांबा प्लस जिंक या जस्ता यानी पिताजी। हाइड्रोजन सल्फाइड से एक और क्वेश्चन क्या बनेगा, देखो मैं आपको बता ही दूं, हाइड्रोजन सल्फाइड इज द केमिकल कंपाउंड, द केमिकल फॉर्मूला H2S, इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा, H2S। यह एक रंगहीन गैस है। एक क्वेश्चन और आता है देखो, कि सड़े हुए अंडे से किस प्रकार के गैस की जो गंध आती है वो कौन सा है? तो कह सकते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड में एक रंगहीन गैस है जिसमें सड़े हुए अंडे की विशेष गंध आती है। आ रही बातें समझ में? यानी कि किस गैस में अंडे गैस की, सड़े हुए अंडे की गंध आती है, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। यह एक बहुत जहरीला संक्षारक और ज्वलनशील गैस है। रोहित सक्सेना जी परेशान ना होइए, क्यों दिन खराब है, यानी कितने क्वेश्चन बने समझ में आओ, आया समझ में, कितने सारे क्वेश्चन बने, एक ये क्वेश्चन बना, एक रंगीन गैस है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री, ब्रोमीन इज अ एलिमेंट, ब्रोमीन एक पदार्थ है, कलरलेस गैस, रंगहीन गैस, हाईली इनफ्लेमेबल गैस, अत्यंत ज्वलनशील गैस, ब्लैक सॉलिड काले ठोस या रेड लिक्विड लाल द्रव्य। चलो चार क्वेश्चन बना ना, गलत करके मत आना। गलत करके मत आना, एकदम क्वेश्चन सही होने चाहिए जो पूछेगा, ठीक है। ब्रोमीन एक पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, लोग कह रहे रंगहीन पर गैस, गाइस रेड लिक्विड लाल द्रव्य है। देखो ब्रोमीन इज अ केमिकल एलिमेंट, एक सिंबल Br समझना, एटॉमिक नंबर 35। इट इज द फ्यूमिंग रेड ब्राउन लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, द इवोपरेट्स रेडली टू फॉर्म अ सिमिलरली कलर्ड गैस। कहां रंगीन है, ये तो कलर्ड गैस है, यानी कैसा गैस है ये, रंगीन गैस है। पहला ऑप्शन खत्म हो गया। एक क्वेश्चन आता है ना, कमरे के तापमान पर कौन सा मेटल, कौन सा एलिमेंट रहेगा, ब्रोमीन, यानी कमरे के तापमान पर लाल भूरा रंग का ये क्या है, एक लिक्विड है जो समान रूप से रंगीन गैस बनाने के लिए वाष्पित हो जाता। कितने सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके, बस केवल और केवल जब रिवीजन करो तो खुद से क्वेश्चन करिए,
खुद से क्वेश्चन करेंगे ना, तब क्या होगा कि हमारी जो थॉट है, सोच है, वो निकल कर आएगी कि कैसा कैसा क्वेश्चन बन सकता है। जैसे हम लोग क्रिकेट मैच देखते हो तो कैसा नालाज लगा लेते हो, 5 ओवर में इतनी रन चाहिए, ये रहेगा तो वो होगा, वो रहेगा तो, भाई वही सोच तो डेवलप करनी है यहां कि कितने क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं इससे। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज एंटीबायोटिक्स कैन नॉट क्योर, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां एंटीबायोटिक्स ठीक नहीं कर सकती या नहीं हो सकती, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, टिटनेस, मिसल्स, खसरा या कोलेरा, हैजा। हाँ अनुराधा जी, याद रखना ब्रोमीन कलर्ड गैस है। जयराज सिंह सिसोदिया जी, बस फ्रस्ट्रेशन नहीं होना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है ना, फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा। लोग कह रहे हैं 4, कोलेरा, लेप्रोसी, दीपक सोनू ने कहा टिटनेस। चलो आंसर ही देख ले पहले। देखो गाइस, ये क्या कहा, एंटीबायोटिक्स। अब बताओ टिटनेस जब होगा तो भाई कोई हमारा बॉडी का पार्ट्स खराब होगा। अब बॉडी का पार्ट्स खराब होगा तो भाई एंटीबायोटिक्स खिलाओ या कुछ खिलाओ। देखो नहीं कभी कभी कहता है टिटनेस हो गया, यानी वहां का जो भाग है, पार्ट है, काट कर निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। कुष्ठ रोग, एम डॉट्स, एम डॉट्स आता है ना एंटीबायोटिक, खाते ठीक हो जाता है। मिसेल्स के लिए भी एंटीबायोटिक्स है, कोलरा के लिए भी एंटीबायोटिक्स। अब कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें समझना। लेप्रोसी किससे होगा और कौन से पार्ट को प्रभावित करेगा, शरीर की बॉडी पार्ट को प्रभावित करेगा, अफेक्ट करेगा। देखिए अगर हम मिसल्स की बात करें, खसरा की बात करें, किससे होगा, ये वायरस, समझना। यही सब क्वेश्चन आएंगे ग्रुप डी में, एकदम याद रख लो। खसरा किससे होगा, वायरस से, खसरा वायरस, मिल रहा है कुछ, खसरा वायरस किससे होगा, मोरबिल वायरस से। और कौन सा पार्ट प्रभावित होगा, रेडिश इरप्शन ऑन द बॉडी, शरीर पर लाल लाल चकते निकल आएंगे। कोलेरा की बात करेंगे तो ये बैक्टीरिया, विबरियो कोलेरा, बैक्टीरिया का नाम क्या, विबरियो कोलेरा इंटेस्टाइन, कौन सा भाग प्रभावित होगा, इंटेस्टाइन। लेप्रोसी की बात करें, कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, ये भी बैक्टीरिया से, और कौन सा भाग प्रभावित होगा, तो नर्वस सिस्टम एंड आवर स्किन, तंत्रिका तंत्र और त्वचा। और टिटनेस की बात करेंगे, जो था आपके क्वेश्चन का जो आंसर होगा टिटनेस, ये भी बैक्टीरिया से होगा, इसके बैक्टीरिया का नाम क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, और ये भी तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा। आ रही बातें समझ में, यानी कितने क्वेश्चन बने समझना। ये बीमारी किससे होंगी, वायरस से होंगी या बैक्टीरिया से होगा, और शरीर का कौन सा भाग को प्रभावित करेगा, याद रहेगा गाइस। पीडीएफ जब मॉर्निंग में मिलेगा आपको, तब रिवीजन करोगे, परेशान मत होना, बस इसको जोड़ते रहो, किसी ना किसी तरीके से जोड़ो। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, निम्न में से कौन सा गलत है, मरकरी, पारा, सिल्वर, एजी, सोडियम एन ए, पोटेशियम के। क्योंकि जब एग्जाम आएगा तब तक सोच रहे जितने सारे डिजीज वाले क्वेश्चन हैं सब कुछ करवा दूं, ताकि आते एग्जाम के पहले हम क्या हो जाएं, बी प्रिपेयर, तैयार हो जाएं। देखिए गाइस, ये तो सारा पता है, इसलिए तो आपको बार बार हम सांकेतिक अक्षर जो है सांकेतिक अक्षर करा देते हैं। पोटेशियम का क्या होगा, ओनली के रहता तब चल जाता हमारा, पारा एच जी, सिल्वर ए जी, सोडियम एन ए और पोटेशियम का के। अब देखो मरकरी पता है एटॉमिक नंबर कितना, 80, पोटेशियम की बात करेंगे एटॉमिक नंबर 19। पोटेशियम इज द सेकेंड लिस्ट डेंस मेटल आफ्टर लिथियम। आपको पता है सबसे हल्की धातु कौन है, लिथियम, लेकिन अगर दूसरी हल्की धातु की बात करेंगे पोटेशियम,
इट इज अ सॉफ्ट सॉलिड विथ अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ। क्वेश्चन था ना एएलपी में और पहले भी बता चुके हैं, कई सारे बच्चे कहते हैं सर क्वेश्चन नहीं आया। अब बताओ गाइस क्वेश्चन हु बहुत रहे नहीं, थोड़ा सा तो घुमाएगा ही ना। इनमें से कौन से धातु को चाकू से काटा जा सकता है, पहले भी पढ़ा चुके हैं, क्वेश्चन आया भी है एएलपी में। और देखो फिर है कि आसानी से चाकू के साथ काटा जा सकता है किसे, पोटेशियम से, यानी पोटेशियम को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, आई बात समझ में? अगर आ रही है समझ में गाइस तो कमेंट बॉक्स में लिख दो सर अच्छे तरीके समझ में आ रहे, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द स्टडी ऑफ द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल के ऊपरी भाग का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या है, मेट्रोलॉजी, एरोलॉजी, सेलेनोलॉजी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। आ रही बात समझ में? चलो बहुत बढ़िया। चलो बताओ वायुमंडल के ऊपरी भाग का अध्ययन क्या कहेंगे, नवरत्न राय। देखो नाम के पीछे इसलिए नहीं ले पाते, सोचते हैं गाइस जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, लास्ट समय है, एक सप्ताह है एग्जाम के पहले, इस कारण से सोचता हूं कम से कम ज्यादा से ज्यादा आपको नॉलेज दे दूं, है ना। देखो वायुमंडल के ऊपरी भाग के अध्ययन को एरोलॉजी समझना, इसकी भी ट्रिक है। ये वायुमंडल मान ले, देखना गौर से। अब देखो जो वायुमंडल की अगर परत की बात करें तो पांच परत होगा, फाइव लेयर। पहला ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। तो आपको पता है पहले भी पढ़ा चुके हैं, मेट्रोलॉजी यानी मौसम से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं, मेट्रोलॉजी यानी वेदर, वेदर से संबंधित अध्ययन को मेट्रोलॉजी कहेंगे। तो भैया कहा ऊपरी भाग, अपर पार्ट, लोअर पार्ट में ट्रोपोस्फेयर में मौसम संबंधित घटनाएं घटती है, तो जो नीचे वाला पार्ट है ट्रोपोस्फेयर वहां कहेंगे मेट्रोलॉजी, अपर वाला पार्ट है जहां पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटेंगी उसे कहेंगे एरोलॉजी, याद रहेगा। और जोड़ो एरो, एयर, एयर यानी जहां पर एयर एकदम कम है याद रखने के लिए उसको एरोलॉजी कहेंगे, जहां पर मौसम संबंधी घटनाएं घटेंगी उसको मेट्रोलॉजी कहेंगे, और सेलेनोलॉजी की बात करें तो चले जाए हम स्पेस, अंतरिक्ष यानी मून पर चले जाएंगे तो चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहेंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है, यानी एरोलॉजी भी क्लियर है, मेट्रोलॉजी भी क्लियर हो गया, लेयर भी क्लियर हो गया। ठीक है, बढ़े अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 7, स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय ऑफ, स्टेनलेस स्टील डैश का मिश्र धातु है, आयरन, कार्बन एंड निकिल, लौह, कार्बन और निकल, आयरन एंड जिंक, लौह और जिंक, आयरन क्रोमियम एंड जिंक, लौह क्रोमियम और जिंक, आयरन क्रोमियम एंड कार्बन, लौह क्रोमियम और कार्बन। रोहित लिख रहे हैं, रोहित सरकार सर नॉट क्लियर, क्या क्लियर नहीं है गाइस बताओ जरा कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ क्या नहीं समझ में आया। देखिए अगर हम बात करें स्टेनलेस स्टील की तो इसमें आयरन, क्रोमियम और कार्बन है, हो सकता है देखो ग्रुप डी का पेपर है, क्वेश्चन तो हम लोग यही दुआ करते हैं क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट आए, लेकिन अगर थोड़ी सेटर अगर, क्योंकि भाई देखो 17 सितंबर से लेकर पेपर है वो दिसंबर तक चलेगा यानी 2-2.5 महीने, तो एक्सपेरिमेंट तो करेगा सेटर, तो परसेंटेज हो सकता है पूछे आपसे, परसेंटेज की बात करेंगे, लोहा 75%, क्रोमियम 15%, निकिल 9.5% और कार्बन की बात करें तो 0.5%। स्टेनलेस स्टील का यूज कहां करते हैं हम लोग, इन मेकिंग अटेंसिल्स एंड सर्जिकल,
कटलरी, यानी बर्तन के निर्माण में और शल्य चिकित्सा में जितने सारे औजार होते हैं उनमें करी जाती है प्रयोग। क्यों? क्योंकि जल्दी से इसमें जंग नहीं लगता है, जल्दी जंग नहीं लगेगा। अगर जंग लगेगा तब क्या होगा? अब ऑपरेशन करेंगे, जंग लगा हुआ है तो पता है ना खराब हो जाएगी ना फिर। क्वेश्चन नंबर 8, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की है एक्सरे की, टेलीग्राफ की, पेनिसिलिन की, माइक्रोस्कोप की। भाई 2.5 महीने के बीच लगातार पेपर नहीं है, गैपिंग है उसकी। देखो, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसी खोज की पेनिसिलिन से, जो कवक से बनाया गया था, फंगस से, और यह है क्या? एक एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक है। हाँ, एक्सरे को लेके कल थोड़ी सी कंफ्यूजन था, आप लोगों ने कहा रोंटजेन, बिल्कुल सही, यानी रोंटजेन ने एक्सरे की खोज की थी। और तार की खोज किसने की? देखते हैं, माइक्रोस्कोप। अब आप बता दो माइक्रोस्कोप की खोज किसने की, कमेंट बॉक्स में सर आप बता दो कि माइक्रोस्कोप की खोज किसके द्वारा की गई थी। माइक्रोस्कोप की खोज किसके द्वारा की गई थी? देखो, एन इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ, इलेक्ट्रिकल टेलीग्राफ की बात करें तो डेवलप किया गया किसके द्वारा? सैमुअल मोर्स के द्वारा। सैमुअल मोर्स, भैया टेलीग्राफ मार्कोनी नहीं, मार्कोनी ने रेडियो की खोज की, मार्कोनी रेडियो और लॉन्ग वेव। सैमुअल मोर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक विद्युत टेलीग्राफ स्वतंत्र रूप से विकसित और पेटेंट किया गया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक, भैया गैलीलियो कहां कह रहे हो, रॉबर्ट हुक। H5N1 इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू इज आ, H5N1 इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू एक है वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोवा या फंगी कवक। अच्छा कुंदन सिंह जी, आप कमेंट बॉक्स में जरा क्वेश्चन बताना क्या था, ठीक है, मैं तब आपकी आपका जवाब दे सकूंगा। H5N1 इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू क्या है? देखो विषाणु, समझना कितने क्वेश्चन बनेंगे। H5N1 इन्फ्लुएंजा किससे संबंधित है, क्वेश्चन रहता है काउ फ्लू या बर्ड फ्लू, तो पता है भैया बर्ड फ्लू है, एक क्वेश्चन निकल कर आया। H5N1 एक वायरस है, विषाणु है, आ रही बातें समझ में? और वायरस की खोज की गई, मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर से आपको रिमाइंड कराऊं, इवानोवस्की स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। बैक्टीरिया की खोज किसने की? लुविनहॉक। स्टडी बैक्टीरियोलॉजी, फंगी, माइकोलॉजी, आ रही बातें समझ में? देखो, H5N1 इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस दैट कॉजेज अ हाइली इन्फेक्शियस सीवर रिस्पायरेटरी डिजीज इन बर्ड्स कॉल्ड एवियन इन्फ्लुएंजा। H5N1 एक प्रकार का इन्फ्लुएंजा वायरस है जो पक्षियों में अत्यधिक संक्रामक गंभीर श्वसन रोग का कारण बनता है, जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। हो सकता है आपके आने वाले पेपर में यही दे दे, एवियन इन्फ्लुएंजा किसे कहते हैं? H5N1। अब जब मनुष्य में कभी कभार होता है, लेकिन जबरदस्त होता है गाइस, जब ये फैलता है, जब लोग संक्रमित हो जाते हैं, व्हेन पीपल डू बिकम इन्फेक्टेड,
तो मृत्यु दर की संभावना लगभग 60% हो जाती है, मृत्यु दर की संभावना 60% हो जाती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स न्यूट्रिएंट्स लेवल फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू टिश्यूज इन द ह्यूमन बॉडी। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक भोजन मानव शरीर में नए उत्तकों के विकास के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? कुंदन विराट जी, पीडीएफ आपको कल मॉर्निंग में 10 बजे के बाद अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। अतुल पांडे जी, पश्चिम बंगाल में कभी कभार होता है, ऐसा नहीं कि पश्चिम बंगाल में बराबर होता है, ठीक है। माता प्रसाद पांडे जी, एटॉमिक नंबर के ट्रिक के बारे में मैं जरूर सोचूंगा, ठीक है। चलो देखिए, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पोषक, ग्लूकोज हमें देखिए एनर्जी देता है, पोषक नहीं, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है गाइस, सब्जी, क्यों, आयरन, लौह पदार्थ, विटामिन, प्रोटीन, सब कुछ इंक्लूड है सब्जी में। आप एग्जांपल ले लो पालक की, आयरन पाई जाती है उसमें, अरे बातें समझ में, तब चीज भी नहीं, केवल और केवल। देखते हो जब भी हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, भैया जितना से ज्यादा हो सके ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, क्योंकि आयरन कंपाउंड सबसे ज्यादा किसमें होगा, वेजिटेबल्स में। अब विटामिन का देखो सोर्सेस, तो जो भी है विटामिन ए बी सी डी ई के बी कॉम्प्लेक्स, सबसे ज्यादा अगर देखेंगे तो सब्जियों में विटामिन पाई जाती है। इसलिए कहते हैं ना, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 11, द येलो कलर ऑफ एग्स योल्क इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, अंडे की जर्दी का पीला रंग डैश की उपस्थिति के कारण होता है, लाइकोपिन, कैटिनोइड, कैरोटीन, नन ऑफ दीज। चलो जल्दी जल्दी बताओ, चलिए देवी प्रसाद जी आपका भी नाम लिया ना, देखो भाई अंडे को देखे मुंह में पानी आ गई, बताओ जवाब दो क्या होगा, अंडे की जर्दी का पीला रंग डैश की उपस्थिति कारण होता है। विनय कुमार यादव ने कहा केटोनॉइड, देखो बहुत सही सर। देखिए ये जो कैटिनोइड है ना, ये एक येलो पिगमेंट है, इसके जगह पे कुछ और ऑप्शन रहेगा, मैं आपको समझाऊंगा। लाइकोपिन की बात करेंगे, टोमेटो, टमाटर, कैरोटीन की बात करेंगे, गाजर, इसलिए कभी कभी कैरोटीन को विटामिन ए भी कहते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा जब पूछ चुके हैं, विटामिन ए को कैरोटीन भी कहते हैं, आई बात समझ में, लाइकोपिन, टमाटर में लाल रंग किस लिए, लाइकोपिन के कारण। अब देखिए कैरोटीनॉइड क्या है, द येलो कलर इज ड्यू टू ल्यूटिन एंड जियाक्सैंथिन, जियाक्सैंथिन विच आर येलो और ऑरेंज कैरोटीनॉइड नन एज जेंथोफाइल। अब आपके एग्जाम में कैरोटीनॉइड रहे, जेंथोफाइल रहे या जियाक्सैंथिन रहे, जियाक्सैंथिन रहे या ल्यूटिन रहे, अंडा का जो खोल होगा, कवर होगा, किसका होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का, किसका बना होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, आई बातें समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं हुआ है, बैकुरेल, रेडियो एक्टिविटी, रेडियोधर्मिता, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, पेनिसिलिन, लुइस पास्टर, ब्लड ग्रुप, विलियम हॉर्वे, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। चलिए रमेश जी आपका भी नाम ले लिया है ना, देखो नाखून और बाल की बात करें तो गाइस उसमें कैरेटीन होता है, कैरेटीन, नाखून और बाल में
कैरेटीन है, ठीक है, कैरोटीन मत समझना, अंतर है दोनों में, कैरेटीन और कैरोटीन में। इसका जवाब मैं चाहूंगा सबसे सही। देखो कुछ लोग गलत कह रहे हैं, भाई कितनी बार बता चुके हैं इसको। ब्लड ग्रुप की खोज किसके द्वारा की गई? कार्ल लैंड स्टीनर। कार्ल लैंड स्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की 1900 ईस्वी में, इसलिए 1930 में इसे नोबेल, चिकित्सा का नोबेल अवार्ड मिला था 1930 में, ठीक है। और रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हॉर्वे। ब्लड ग्रुप कितना? 4 AB O और AB। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसेप्टर। कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट कंप्यूटर इंस्टॉल्ड? भारत का पहला कंप्यूटर कहां स्थापित किया गया था? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, या भारत संचार निगम लिमिटेड दिल्ली। हाँ रोहन राम जी, रेडियो एक्टिविटी की बात करेंगे मैडम क्यूरी, और मैडम क्यूरी एकमात्र ऐसी हैं जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में 2 बार नोबेल मिला है उनको। लुईस पास्चर ने पास्चराइजेशन की खोज की थी। बहुत बढ़िया, बहुत सही। देखो भाई, सबसे पहला कंप्यूटर भारत में इंडियन स्टैटिकल इंस्टीट्यूट कलकत्ता में लगाया गया। देखो स्टैटिकल से याद आया, एक क्वेश्चन आता है बार बार, भारत में जो इनकम है वो कौन बताता है? इनकम को जनरेट कौन, मतलब इनकम की गणना, सॉरी कैलकुलेशन, इनकम की गणना कौन करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। क्वेश्चन क्या आएगा कि भारत में इनकम को कैलकुलेट, नेशनल इनकम, अपनी इनकम नहीं, राष्ट्रीय आय की गणना, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कौन करता है भारत में? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। द फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया इज इंस्टॉल्ड एट इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन कलकत्ता इन 1995। भारत में पहली अगर कंप्यूटर की बात करें तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता में स्थापित किया गया था। कब? 1995 में। भाई अब देखो, जापान के बाद एशिया में पहला था भारत, जापान के बाद भारत पहला था, यानी जहां से आप देख रहे होंगे अभी डिजिटली जो मोदी जी ने नारा दिया, तो पहला था जापान के बाद, यानी एशिया में कौन पहला? तो जापान हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14। विच एलिमेंट इज यूज इन स्फिग्मोमैनोमीटर? स्फिग्मोमैनोमीटर में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? पारा, मरकरी, बैरियम, पोटेशियम या ऑर्गन। चलिए सिद्धार्थ जी, हाँ भारत की पहली राजधानी कलकत्ता 1911 में ट्रांसफर किया गया था। बहुत सही। देखिए अगर हम बात करें स्फिग्मोमैनोमीटर की, तो सर सब पारा तो है, पारा ही तो है, बैरोमीटर हो, स्फिग्मोमैनोमीटर हो या मैनोमीटर हो, जितना मीटर है जो भी हम मेजरमेंट करते हैं, तो क्या रहता है उसमें? पारा। आगे देखो, मरकरी इज यूज्ड इन थर्मामीटर्स, वही तो कहा जो मेजरमेंट करते हैं, थर्मामीटर यानी तापमान, बैरोमीटर वायुदाब, और मैनोमीटर्स ये क्या होगा? चलिए कमेंट बॉक्स में टाइप करिए ना, फिर मैं बताऊंगा मैनोमीटर की। एंड स्फिग्मो मैनोमीटर में पारा यूज करते हैं, मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गेज और वैक्यूम प्रेशर। गेज और निर्वात दबाव मेजरमेंट करी जाती है मैनोमीटर से, याद रहेगा हमें। बैरोमीटर से क्या, तो बैरोमीटर से क्या मापते हैं? चलो कमेंट बॉक्स में टाइप करो। स्फिग्मो मैनोमीटर की बात करेंगे तो BP, ब्लड प्रेशर। थर्मामीटर की बात करेंगे तो ह्यूमन का क्या, टेम्परेचर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। विच न्यूट्रिशंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द
कोगुलेशन ऑफ ब्लड, कौन सा पोषक तत्व रक्त की थक्का में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम या सोडियम? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आधा अधूरा जवाब नहीं चलेगा, पूरा बताना पड़ेगा। वायु दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। बहुत बढ़िया, देखो सरिता कुमारी ने कह दिया सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए अगर हम बात करें गाइस रक्त के थक्का में लोहा, कैल्शियम, अरे कैल्शियम कहाँ, हीमोग्लोबिन में रहता क्या है, हिमैटिन नामक आयरन कंपाउंड। और आयरन कंपाउंड की बात करें देखो समझना, विटामिन के प्लस फाइब्रिनोजेन दोनों चाहिए हमें ब्लड की थक्का के लिए। तो आयरन तो है ही ऑलरेडी, ये रिलेट क्या कर दिया, इनडायरेक्ट वे से रिलेट कर दिया। विटामिन के, फाइब्रिनोजन चाहिए, फाइब्रिनोजन कहाँ बनता है, हमारे लीवर में। अब एक क्वेश्चन और मैं करूँ आपसे, सर ये बता दो जब हम एक्सीडेंट कर जाते हैं, कट फट जाता है हमारा बॉडी, ब्लड निकलता है, फाइब्रिनोजन बंद कर देता है, तो शरीर के अंदर क्यों नहीं बंद करता है? शरीर के अंदर भी बंद करनी चाहिए ना। शरीर के अंदर इसलिए बंद नहीं होता है, नहीं जमता है, हिपेरिन नामक एक लीवर में प्रोडक्शन होता है, और हिपेरिन शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 16। द ओजोन लेयर इज अबव द अर्थ क्रस्ट अराउंड, ओजोन परत डैश के आसपास पृथ्वी की परत से ऊपर है, 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर या 20 किलोमीटर? हिपैरिन के कारण, बहुत बढ़िया। अच्छा कमेंट बॉक्स में बताओ हिपैरिन क्या है, प्रोटीन है, विटामिन है? देखो अगर हम बात करें तो ओनली 20 किलोमीटर। सर देखो ओजोन की बात समझना, 18 किलोमीटर तक तो ट्रोपोस्फेयर है, इसके बाद 18 किलोमीटर से ऊपर 50 किलोमीटर तक स्ट्रेटोस्फेयर है, यानी जो डेंस होगा ओजोन का एकदम यही, वो यही 18 से ऊपर होगा ना, ये ओजोन परत कहाँ होगा, समताप मंडल में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ओजोन परत O3। एक क्वेश्चन मैं और आपको बताऊं, ओजोन परत की जो थिकनेस है, मोटाई, उसको हम लोग डॉब्सन यूनिट में मापते हैं, डॉब्सन यूनिट में मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, और ओजोन परत क्या करता है, यूवी यानी अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी विकिरण जो निकलती है सूरज से, जो हार्मफुल है ह्यूमन के लिए, उसको ये पूरी तरीके से कवर करता है, रोकता है। हिपेरिन प्रोटीन गाइज, एंजाइम नहीं, हिपेरिन फाइब्रिनोजेन ऑल्सो प्रोटीन। देखो द ओजोन लेयर इज मेनली फाउंड इन द लोअर पोर्शन ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर द फ्रॉम अप्रोक्सीमेटली 20 to 30, यानी 20 से 30 किलोमीटर के बीच ओजोन परत मुख्य रूप से समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 20 से 30 किलोमीटर तक पाई जाती है। हालांकि इसकी मोटाई मौसमी और भौगोलिक दृष्टि से क्या होगा, डिफरेंट होगा, भिन्न भिन्न होगा। क्वेश्चन नंबर 17। विडाल टेस्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, विडाल परीक्षण डैश के निदान के लिए आवश्यक है, यानी कौन सी बीमारी होगी जो हम विडाल टेस्ट करवाएंगे जाके मेडिकल में, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, टाइफाइड या लेप्रोसी? विडाल परीक्षण की बात किया जाए तो विडाल टेस्ट जो है गाइस टाइफाइड, अब देखो हिंदी में गड़बड़ क्या होगा, आंत्र ज्वर लिखता है कभी कभी सेटर टाइफाइड की जगह पे, तो समझना टाइफाइड को हिंदी में क्या कहते हैं, आंत्र ज्वर। एड्स, अब देख लेते हैं कि एड्स की जांच करेंगे एलिसा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एसे, एलिसा टेस्ट से एड्स, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी की जांच की जाती है। देखो ट्यूबरकुलोसिस किससे होगा, नाम से ही जग जाहिर है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, बैक्टीरियम यानी बैक्टीरिया से,
लंग्स फेफड़ा। एड्स की बात करें किससे होगा, एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एचआईवी एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। अफेक्टेड पार्ट डिफिशियंसी सिस्टम यानी जो हमारी रक्षात्मक प्रणाली है WBC व्हाइट ब्लड सेल्स, इसी को ये क्या करता है, मारता है, डैमेज करता है। टाइफाइड की बात करें तो साल्मोनेला टाइफी, ये भी बैक्टीरिया से प्रभावित भाग इंटेस्टाइन और टिटनेस के बारे में पहले ही बता चुके हैं लेकिन फिर से आप जान लो। क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी, बैक्टीरिया प्रभावित पार्ट नर्वस सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया इज फाउंड इन गंगा वाटर, निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया गंगा के पानी में पाया जाता है, जो हम लोग मानते हैं कि गंगा का पानी शुद्ध है, कोई भी बैक्टीरिया नहीं हो, कोई भी यानी गंगा का पानी आप ले आओ सालों साल रख ले, कभी उसमें इंसेक्ट नहीं होता है, भाई ऐसा क्या है, कोई ना कोई तो जादू है। तो जादू क्या है गाइज, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जो अदर बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता, मार देता है उसको, ठीक है। चलिए देखिए, अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो सर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, यही बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया को पनपने नहीं देता है, आई बातें समझ में। और गंगा की बात करें 25 किलोमीटर लंबाई इसकी पूरी, भारत में 2510, निकलता कहां से है तो गोमुख ग्लेशियर से, और अलकनंदा और भागीरथी मिलेंगी देवप्रयाग के पास, तब इसे गंगा के नाम से जाना जाएगा। बांग्लादेश में गिरेगा पद्मा के नाम से, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 19, विच वॉज द लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल कौन सी थी, मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या धौलावीरा। चलो जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा। देखो अगर सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल की बात करें मोहनजोदड़ो और लोथल, तो गोदीबाड़ा यानी एक पोर्ट जो कहां, गुजरात में भोगवा नदी के किनारे, हड़प्पा किस नदी किनारे, रावी नदी किनारे, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे। धौलावीरा की बात करें तो ओवरऑल सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल मोहनजोदड़ो, लेकिन भारत में सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल की बात करेंगे धौलावीरा। आई बातें समझ में, दो क्वेश्चन बना, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल मोहनजोदड़ो और भारत की यानी भारत में सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी स्थल धौलावीरा। हड़प्पा किस नदी किनारे, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी किनारे। एक क्वेश्चन मैं और जोड़ दूं कि सिंधु सभ्यता की जो पीरियड है मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड की बात करें 2500 to 1750 BC, 2500 से लेकर 1750 BC ये माना जाता है पीरियड। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अकबर, निम्न में से अकबर के शासनकाल के दौरान कौन से दरबार की भाषा थी, हिंदी, उर्दू, पारसियन या अरेबिक। काई जल्दी बताओ क्या होगा। देखो अगर हम बात करें अकबर के शासनकाल के दौरान कौन से दरबार की भाषा थी, समझना कैसे याद रखें, बाबर आया, बाबर आता है और अपना ऑटोबायोग्राफी लिखता है बाबरनामा के नाम से, किस भाषा में, तुर्की। बाबर आया, बाबरनामा लिखा तुर्की के नाम से, लेकिन अकबर के समय अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा, ये तुझके बाबरी जो था, बाबर ने तुझके बाबरी लिखा और बाबरनामा से फारसी भाषा में ट्रांसलेट कर दिया गया, यानी मुगलों की ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी और जो बाबर ने तुझके बाबरी लिखा किस लैंग्वेज में, तुर्की लैंग्वेज में, यानी क्या होगा, पार्शियल लैंग्वेज। द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कैनिंग। चलो जल्दी बताओ क्या होगा। देखो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल की बात करेगा वॉरेन हेस्टिंग्स। मैं एक ट्रिक बता दूं, गवर्नर जनरल से जितने क्वेश्चन है सब फिनिश, कैसे समझना, कितने मजेदार ट्रिक। देखो रॉबर्ट है विलियम की मौसी, अब कहोगे सर आपने क्या बता दिया, रॉबर्ट है विलियम की मौसी, क्या करें बताना पड़ता है। देखो
रॉबर्ट है विलियम की मौसी, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नहीं, रॉबर्ट क्लाइव। अब गवर्नर खत्म हो गया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर अब गवर्नर जनरल कहलाने लगे, वॉरेन हेस्टिंग्स, दो हो गया। अब आ जाओ 1833, समझना, अब गवर्नर जनरल जो थे भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे, विलियम बेंटिक हो गया। यहां तक आई बातें समझ में? अब हो गया की, सर ये की क्या है? कैनिंग, देखो जो ऑप्शन नंबर 4, कैनिंग वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड कैनिंग वाज फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। अब बचा मौसी, माउंटबेटन वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश, और सी से राजगोपालाचारी जो अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय थे। यानी ओवरऑल रॉबर्ट है विलियम की मौसी से जितने क्वेश्चन बनेंगे आपके गवर्नर जनरल वायसराय से, फिनिश। कोई कंफ्यूजन? हमारे साथ लगभग 2800 लोग जुड़े हैं भाई, अगर मजा आ रहा है तो लाइक तो बनता है कम से कम, इस खासकर ट्रिक के लिए। रोहित सक्सेना जी कमेंट बॉक्स में टाइप करना, मैं जरूर बताऊंगा इस ट्रिक को। चलिए आज की अंतिम क्वेश्चन, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू एसेंट टू बिल्स फ्रॉम प्रेसिडेंट, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से विधेयकों को स्वीकृति से संबंधित है? ये आपके लिए क्विज, और जो कल का क्विज था कि जो विधानसभा, खासकर राज्य विधानसभा का प्रमुख कौन होगा, भाई राज्य के लिए हमेशा मुख्यमंत्री होगा, वास्तविक मुख्यमंत्री नहीं था ऑप्शन में तो कैबिनेट होगा, और अगर वास्तविक नहीं है तब हो जाएंगे राज्यपाल। आई बात समझ में? चलो तो आज का वीडियो गाइस कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा, और मिलेंगे कल फिर इसी तरीके से कुछ नए नए क्वेश्चन को लेकर, नए नए ट्रिक के साथ। और मंडे से क्या हम लोग चले मॉक टेस्ट की ओर, एग्जाम बिफोर एग्जाम, यानी धुआंधार 40-45 क्वेश्चन करेंगे बिना नॉन स्टॉप, बिना एक्सप्लेन किए, जैसा ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन नहीं, केवल और केवल क्वेश्चन, क्योंकि एक सप्ताह बचेगा। अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना, ठीक है? चलिए आज यहीं तक, मिलेंगे कल इसी समय आपके फेवरेट चैनल महिंद्रा गुरु पे, तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।